हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं अक्टूबर के जो 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं अपने वीकली वीडियोस में से, उनमें से बेस्ट 150 क्वेश्चन कवर करूंगा। ये सिर्फ अक्टूबर के क्वेश्चन है और इससे पहले मैं 500 क्वेश्चन जनवरी से जून और 400 क्वेश्चन जून से सेप्टेम्बर तक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और ये 1000 क्वेश्चन थे, तो शायद अब एग्जाम में समय कम है तो आप सबके लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो रिवाइज करना, तो कम से कम ये 150 क्वेश्चन तो देख के जाइए। हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं एसएससी, बैंक पीओ और यूपीएससी के लिए। हमारी जो एंड ऑफ अक्टूबर सेल है उसका कल आखिरी दिन है 31 अक्टूबर को, तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं या कोई भी पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट एक बार जो पांच मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है रजनीश कुमार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की नई चेयरमैन है नीता करवाल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी के नए चेयरमैन है शशि शंकर, पहले थे दिनेश सराफ। एनएचपीसी के हैं बलराज जोशी, ये हाइड्रो पावर का डिपार्टमेंट है बलराज जोशी। और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं अवंती शंकर नारायणन। पहला सवाल ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनमें से कितना लोन हिमाचल प्रदेश को अपनी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए अलॉट किया है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 100 मिलियन, इनमें से जो लोन अप्रूव हुआ है वो हुआ है $80 मिलियन का। हिमाचल प्रदेश में आप याद रखिए, एक है पिन वैली नेशनल पार्क और एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अभी चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में और 9 नवंबर को चुनाव होंगे, एक ही चरण में चुनाव होंगे, ये अनाउंस करा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचल कुमार ज्योति ने। और हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा और दूसरे हैं ओपी रावत। और सुनील अरोड़ा नए बने थे क्योंकि जब नसीम अहमद जईदी रिटायर हुए थे तो अचल कुमार ज्योति इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे। तो $80 मिलियन का लोन मिलेगा। इनमें से पहले ऐश्वेत व्यक्ति कौन है जो किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेंगे कनाडा में, और 2019 के इलेक्शन में ये जस्टिन ट्रूडियो को चुनौती देंगे। इनकी पार्टी का नाम है NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इनका नाम है जगमीत सिंह। और एक सरदार और हैं कनाडा में जो आपको याद रखने हैं, वो है हरजीत सिंह। जो है ये कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री हैं, और भारत की डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, कनाडा की राजधानी है ओटावा। इनमें से स्वच्छ भारत मिशन के लिए चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है स्वच्छ भारत के लिए। स्वच्छ भारत के तहत जो है वो एक स्वच्छ सर्वेक्षण भी हुआ था, उसमें भारत का सबसे साफ सुथरा शहर था इंदौर और सबसे गंदा था गोंडा। गोंडा है उत्तर प्रदेश में, इंदौर है मध्य प्रदेश में। और टॉप 50 में अगर हम देखें टॉप 10, तो उसमें कम से कम शुरू के 3 याद रखने हैं आपको। तो नंबर 1 पे था इंदौर, नंबर 2 पे था भोपाल, और नंबर 3 पे था विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। आंध्र प्रदेश का एक डांस भी है जिसको बोलते हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस है। और इनका नाम है पीवी सिंधु जो है, इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे, और ये हारी थी फाइनल में कैरोलिना मारिन से जो स्पेन की खिलाड़ी है। और एक दो और याद रख लीजिए, असम टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रियंका चोपड़ा को, असम टूरिज्म। इसके लिए इन्होंने न्यू टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई है। लॉरियास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह को, ये पहले इंडियन है जो लॉरियास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और दिल्ली डायनामोस फुटबॉल क्लब ने बनाया है जैकलिन फर्नांडिस को, और ये पहली महिला है जो किसी भी भारत के फुटबॉल क्लब की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वैसे हमारे खेल मंत्री भी नए बने हैं, अगर आपको पता हो पहले खेल मंत्री कौन थे विजय गोयल, अब हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। फोर्थ बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी जो हुई है रिव्यू, उसमें स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट काट दिया है। अब कितनी हो गई है, पहले 20% थी, अब हो गई है 19.5%। और इस वजह से 57,000 करोड़ रुपए का धन बैंक अतिरिक्त दे पाएंगे, क्योंकि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पैसा होता है जो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। अब बैंक को 50 बेसिस पॉइंट यानी 20 की बजाय सिर्फ 19.5 रखना होगा, तो कुछ पैसा फ्री होगा जिससे वो लोन दे पाएंगे, तो ये पैसा है 57,000 करोड़। और बाकी जो रेशियो है वो भी याद रखिए, रेट कट इस बार नहीं हुआ तो 6% रेपो रेट है, 5.75% है रिवर्स रेपो, यहां पे मैंने लिखी हुई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.25%, बैंक रेट भी है 6.25%, कैश रिजर्व रेशियो है 4%, ये 2013 से ही 4% है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 19.4%। और रेट कट के लिए 5 लोगों ने बोला था रेट कट उतना ही रहना चाहिए, और एक ने सिर्फ रविंदर ढोलकिया ने कहा था कि रेट कट होना चाहिए, ये भी याद रखिए। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इनमें से भारत के कौन से कोच हैं जिन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह, BS सिंह, ब्रिजभूषण
शरण सिंह और जिनको सस्पेंड किया है इनका नाम है कृपा शंकर पटेल, कृपा शंकर पटेल। अभी अभी अर्पण सॉफ्टवेयर का तीसरा वर्जन रिलीज हुआ है। ये किस चीज के लिए है ये सॉफ्टवेयर अर्पण? अर्पण है डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए। और हमारे जो आर्मी के चीफ है वो बिपिन रावत है, नेवी के सुनील लांबा है और एयरफोर्स के बीएस धनोआ है। और अर्पण सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि हमारे जो डिफेंस में काम करने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड जानकारी सॉफ्टवेयर रखी जाती है, यानी ये पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा इसके अंदर। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी है सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी स्कीम? सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी स्कीम का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो पेंशन होती है, जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं जो पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको पहली तारीख को ही मिल जानी चाहिए। सिंगल क्लिक पेंशन स्कीम लॉन्च करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार, बांधवगढ़, संजय धुबरी नेशनल पार्क इत्यादि। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। छठा लगातार टाइटल जीता नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने? इनका नाम है जगन कुमार। ये है मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन रोड रेसिंग में भी जीत दर्ज करी। इनकी टीम कौन सी है, कौन सी चलाते हैं ये बाइक, कौन सी कंपनी की चलाते हैं? टीवीएस रेसिंग की चलाते हैं, टीवीएस रेसिंग। इनके यहाँ देख सकते हैं आप जो इनका जो ड्रेस है उसके ऊपर भी लिखा है टीवीएस। कौन से फॉर्मूला वन चलाने वाले ड्राइवर हैं जिन्होंने मलेशियन ग्रां प्री जीत ली? वैसे इस बार का वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। कल रात को ही रेस हुई थी आखिरी, तो लुइस हैमिल्टन बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियन और ये चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। याद रखिए, चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं लुइस हैमिल्टन और ये ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं ये। और मलेशियन ग्रां प्री जब रेस होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें कई सारी रेस होती हैं अलग अलग कंट्री में, तो मलेशिया में जो रेस हुई वो किसने जीती, सवाल ये है। ये जीती मैक्स वर्स्टापन ने और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल। ये हम इनकी पोशाक पे देख सकते हैं, रेड बुल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये है सारे विनर्स। अब देखिए इसमें मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। ज्यादातर रेस तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है क्योंकि ओवरऑल इन्होंने जीती है जो ड्राइवर चैंपियनशिप है, यानी वर्ल्ड चैंपियन यही बने। और इनको सबसे कड़ी टक्कर दी सेबेस्टियन बेटल ने, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी रेस आ जाए तो 99% चांस ये हैं या तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन या होगा सेबेस्टियन वेटल। अब याद रखने वाली चीज़ है, सेबेस्टियन वेटल गाड़ी चलाते हैं फरारी, फरारी, ठीक है। और वल्तारी बोतास ये हैं लुइस हैमिल्टन के टीममेट, तो ये चलाते हैं मर्सिडीज। अब इसमें जो रेस लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती वो याद रख लो, जैसे अजरबैजान ग्रां प्री जीती थी डैनियल रिकियार्डो ने, रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं ये, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है BAHM, बाहम, BAHM। ये वो रेस हैं जो सेबेस्टियन वेटल ने जीती हैं और बची सिर्फ दो, रशियन और ऑस्ट्रियन RA, ये जीती हैं वल्तारी बोतास ने। बस इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो लुइस हैमिल्टन नहीं जीती है, चाहे वो ब्रिटिश ग्रां प्री, US ग्रां प्री, बेल्जियन, इटालियन, सिंगापुर, कैनेडियन, स्पेनिश, चाइनीज, सब लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगेगा। तो रेस जो जीती हैं, और एक मैंने इसमें छोड़ दी वो थी मलेशियन ग्रां प्री, वो किसने जीती है? वो जीती है मैक्स वर्स्टापन ने जो रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। चलिए, पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट बनसलू, इसका पर्वतारोहण किया? ये उत्तर प्रदेश में IPS ऑफिसर हैं और इनका नाम है अपर्णा कुमार, अपर्णा कुमार। नेपाल के अंदर चोटी है ये माउंट मनसलू और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है, वो भी नेपाल के अंदर है। अब नेपाल इसकी जो ऊंचाई है वो दोबारा नापना चाहता है माउंट एवरेस्ट की, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागरमठ, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक पॉलिसी लेके आए हैं? ये पॉलिसी ये है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये टू व्हीलर्स के लिए है, दुपहिया जो वाहन है उनके लिए है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। इस पॉलिसी को लेके आई है आंध्र प्रदेश की सरकार और इसके पे 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ये। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती, अमरावती है यहाँ की नई राजधानी। और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ जिसको बोलते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क। वैसे यहाँ पे इन्होंने अपने एयरपोर्ट अमरावती का नाम भी चेंज करा है, एनटी रामाराव के नाम पे रख दिया है। एनटी रामाराव वो हैं जो तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर थे, मशहूर एक्टर थे, आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रख दिया है अमरावती NTR रामाराव एयरपोर्ट। और तिरुपति जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी पलट के रख दिया है लॉर्ड वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट, जो बालाजी महाराज है उनको बोलते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा। बेंगाजी एयरपोर्ट, बेंगाजी पोर्ट, बंदरगाह है ये बेंगाजी, ये 3 साल के बाद खुला है। कौन से देश में है ये? ये लिबिया में है, लिबिया में है, त्रिपोली में है। और ये बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे लड़ाई चल रही थी इस्लामिस्ट ग्रुप्स के बीच में, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई के कारण 3 साल बाद खुला है अभी ये। तो कई पोर्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले आपको बताता हूँ ट्रिनकोमाली, ट्रिनकोमाली वो बंदरगाह है, पूछ सकते हैं ट्रिनकोमाली पोर्ट कहाँ पे है, श्रीलंका में है। ये वो पोर्ट है जो भारत बना रहा है श्रीलंका में, चाइना भी बना रहा है श्रीलंका में, उसका नाम है हम्पनटोटा, ये भी श्रीलंका में है, ठीक है। दूसरा है एक पोर्ट ग्वादार,
ग्वादार है पाकिस्तान में और इसको बना रहा है चाइना, ठीक है। एक है छाबार, छाबार है ईरान में और इसको बना रहा है इंडिया। तो ये चार पोर्ट और पूछे जा सकते हैं आपसे। तीन अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, इन्होंने गुरुत्वाकर्षी जो किरणें हैं उन पर काम किया, ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम किया, इनमें से कौन से नहीं है? रेनर वीस हैं, किप थॉर्न और बैरी बैरिश हैं, यानी जे हनिंगन नहीं है इनमें से। और ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं? ये एमआईटी के हैं, एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये हैं मेडिसिन वाले जेफरी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल यंग। केमिस्ट्री के हैं रिचर्ड हेंडरसन, जॉकेट डुबचेट और जोकेम फ्रैंक। साहित्य के लिए मिला है काजुओ इशिगुरो को, और शांति के लिए मिला है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन, यानी नाभिकीय ऊर्जा से निर्मित हथियार नहीं होने चाहिए कंट्रीज में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए। उसके लिए काम किया है संस्था ने आईसीएन ने, इसलिए इसको मिला है इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज। चलिए अब आपके लिए आज का पहला सवाल, जो साहित्य के लिए कजुओ इशिगुरो को प्राइज, जो नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला है, नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला है, ये कौन सी किताब के लिए मिला है? क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी किताब के लिए मिला है इन्हें काशो इशिगुरो को प्राइज, और ये कौन से देश के हैं? अभी अभी एक अंडरग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेट हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? ये हुआ है जिस जगह में, उसका नाम है साधु टिल्ला, और ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, माणिक सरकार है यहाँ के मुख्यमंत्री, तथागत रॉय हैं यहाँ के गवर्नर। राधिका मोहन भगवती, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये काफ़ी मशहूर पत्रकार थे, और ये असम के पत्रकार थे, गुवाहाटी के में थे ये, और एक न्यूज़पेपर आता है दैनिक असम, दैनिक असम के ये एडिटर थे। असम में है दिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क, सोनई रुपई, मानास, ओरांग, काजीरंगा इत्यादि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं यहाँ के नए जगदीश मुखी। इनमें से जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो ये कमेटी है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन कमेटी। इसकी हेड किसे बनाया है? इसकी हेड है जो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है जी रोहिणी, और दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया है मोगाधीशु में? देखिए, जो मोगाधीशु है वो सोमालिया की राजधानी है, और ये देश है टर्की। टर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप अर्डोगान। अर्डोगान भारत आए थे, इन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि दी थी, और टर्की की राजधानी है अंकारा। टर्की में एक और फेमस शहर है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल। एक और बात, मोगाधीशु का पड़ोसी देश कौन सा है? जिबूटी, और जिबूटी में मिलिट्री बेस बनाया है चाइना ने। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये किस दिन मनाया गया? अक्टूबर में। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन मनाता है, और इसको मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है 24 अक्टूबर। अक्टूबर में अगर आप पूछें, ये यूनाइटेड नेशंस डे होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 24 अक्टूबर को, तो इसे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ये है अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये पहले मंडे को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, याद रखिए भारत में टीचर डे 5 सितंबर को होता है, पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को होता है, भारत में 5 सितंबर को होता है, क्योंकि ये हमारे पहले भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। एयरफोर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट, 8 तारीख को होता है एयरफोर्स डे। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को नहीं मारना चाहिए, गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, इसके लिए 11 अक्टूबर को होता है। 11 अक्टूबर को वैसे अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी होता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को, और इसको ऐसे याद रखिए, देखिए जो स्टूडेंट है उसे खाना खाना पड़ेगा तभी वो गरीबी से निजात पाएगा। तो स्टूडेंट 15 तारीख को, 16 तारीख को ये खाना खाएगा, और 17 तारीख को गरीबी दूर कर देगा। तो स्टूडेंट को खाना खाना पड़ेगा तभी वो गरीबी से, 15, 16, 17 अक्टूबर, ऐसे याद रख लीजिए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये होता है 20 अक्टूबर को। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत में कब मनाते हैं? स्टैटिस्टिक्स डे प्रोफेसर महालनोबिस का जन्मदिन होता है, कमेंट्स में लिख के बताइए। नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे होता है 21 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे होता है 24 अक्टूबर को, और देखिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे तो होता ही है, यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का भी दिन होता है, इसी दिन बनी थी ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके हेड कौन है इस वक्त? आर के पचनंदा। एक जहाज है जिसका नाम है एमटी न्यू प्रॉस्पेरिटी। आपको पता होगा भारत ने अमेरिका से शेल ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, शेल ऑयल अमेरिका से खरीद रहे हैं पहली बार हम अपने इतिहास में, अमेरिका से खरीद रहे हैं। वैसे हम तेल किससे खरीदते हैं? ईरान, इराक, नाइजीरिया, अंगोला, ये सारे जो देश, इनसे खरीदते हैं। अब ये जो जहाज है ये भारत के कौन से बंदरगाह पे आया तेल लेके अमेरिका से? ये आया पैराद्वीप बंदरगाह। पैराद्वीप कहाँ है? ओडिशा में, और चेन्नई आप जानते ही हैं, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। कांडला कहाँ है? कांडला का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये है गुजरात में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे मुगलसराय स्टेशन का भी नाम रख दिया गया है, और दिल्ली में जो ऊर्जा भवन है उसका नाम भी रख दिया गया है।
और दीनदयाल कैंटीन भी स्टार्ट कर दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। तो ये कुछ नामकरण है जो पंडित दीनदयाल जी के नाम पे हुए हैं। निर्मला सीतारमन हमारी रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अभी अभी एक पुल, एक ब्रिज बना है दुर्बुक और दौलत बेगोल्डी, लेह लद्दाख में इनको कनेक्ट करेगा। दौलत बेगोल्डी हमारी पोस्ट है सियाचिन में, इनको कनेक्ट करेगा आपस में ये पुल। ये कौन सी नदी पे बना है? ये बना है श्योक नदी पे, श्योक नदी पे। जो इस बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसको हराया? स्पेन को, फाइनल में 5-2 से हरा दिया। वैसे स्पेन आगे चल रहा था 2-0 से, फिर इंग्लैंड ने 5 गोल मार दिए, तो इंग्लैंड ने जीता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। भारत को शाबाशी देनी होगी, बहुत अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज करा। और इवन जो सेमीफाइनल मैच हुआ था ब्राजील का, उसमें भी 52,000 लोग आए थे देखने, तो काफ़ी अच्छा हमने ऑर्गेनाइज करा इसे। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, और फीफा के राष्ट्रपति हैं, फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, अध्यक्ष बोलते हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली के हैं वैसे ये। और अब ये जो गेंद यूज हुई है फुटबॉल, इसका क्या नाम था? इसका नाम था क्रासावा, क्रासावा। और एडिडास एक पार्टनर था इसमें, स्पॉन्सर था, और ह्यूंडई भी एक स्पॉन्सर थी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में। गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है वो इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई है 3 और 4 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के लिए इंटरेस्ट रेट में कितना परिवर्तन किया है स्मॉल सेविंग स्कीम पे? ये परिवर्तन हुआ है बिल्कुल भी नहीं, 0%। यानी कि उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जैसे प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसमें आपको 7.8% इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारे याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किसान विकास पत्र पर आपको मिलेगा 7.5%, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर मिलेगा 8.3%, और एक और होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे मिलेगा 8.3%। तो 8.3 मिलेगा जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उस पर, किसान विकास पत्र पे 7.5 और प्रोविडेंट फंड पे 7.8। रिलायंस इनमें से एक कंपनी के साथ मर्ज होने वाला था, उसका विलय होने वाला था। आपको पता होगा हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बुरा हाल चल रहा है जियो की वजह से, सारी कंपनियां ऐसा लग रहा है बंद होने वाली हैं, और इसीलिए रिक्वेस्ट की गई है सरकार को कि टेलीकॉम सेक्टर को उसमें कैपिटल डालो, जैसे बैंक्स में भी डाला है 2.1 लाख करोड़ का, उसी तरह टेलीकॉम सेक्टर में भी रिवाइव करो कंपनीज को। तो रिलायंस मर्ज होने वाला था एयरसेल के साथ, एयरसेल के साथ, पर अब नहीं होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटे अंबानी हैं, अनिल अंबानी। और कुछ और मर्जर हैं, जैसे एक कंपनी है सिस्टमा श्याम टेली सर्विस, वो आरकॉम के साथ मर्ज हो गई है। और भारती जो एयरटेल है घाना के अंदर, घाना की राजधानी एकरा है, अफ्रीका का देश है, वहां पर वो मर्ज हो गई है मिलीकॉम घाना लिमिटेड के साथ, और अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है घाना में। भारतीय एयरटेल मर्ज हो गई है मिलीकॉम घाना लिमिटेड के साथ, और सिस्टमा श्याम टेली सर्विसेज आरकॉम के साथ मर्ज हो गई है। इनमें से भारत की सब जो सबसे आइकॉनिक प्लेसेस हैं, 10 सबसे ज्यादा महान प्लेसेस हैं स्वच्छ भारत मिशन में जो सिलेक्ट हुई थी, उनमें से सबसे साफ सुथरी कौन सी है, यानी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड किसे गया है? भारत की सबसे साफ प्लेस है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। कहाँ है ये? ये मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसमें और भी थे जैसे ताजमहल था, अजमेर शरीफ, गोल्डन टेम्पल, काफ़ी थे, लेकिन फर्स्ट आया है मीनाक्षी टेम्पल। हनुमंत मोरेश्वर मराठे, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये राइटर थे, लेखक थे, मराठी भाषाओं में लिखते थे, और इनकी एक, इनको हम पॉपुलरली बोलते थे हामो। हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी विमोचन करा तीसरे राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का 2017 से 2031, यानी 15 सालों के लिए। अब आप ये बताइए, इसके लिए कमेटी बनी थी इस प्लान को ड्राफ्ट करने के लिए, उस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं, और ये हमारे पर्यावरण मंत्री ही नहीं है, ये हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री भी हैं, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। और ये जो कमेटी बनी थी इसकी अध्यक्षता करी थी जेसी कला ने, जेसी कला, 12 मेंबर थे इस कमेटी के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जिसने बर्फ को तोड़ने वाला एक जहाज वो बनाया है जिसका नाम है सिबिर, और ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा? ये जहाज है रशिया का, रशिया की राजधानी है मॉस्को, रशिया में है रेड स्क्वायर, रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और रशिया की राजधानी है रूबल। रशिया में वैसे 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने अभी अभी एक MOU साइन करा है, कौन से देश के साथ? ये भारत में जो महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है यामेथिन में, उसको अपग्रेड करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ आपसी सहयोग के लिए एक MOU साइन करा है? इस देश में यामेथिन नाम की जगह में वुमेन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसको भारत अपग्रेड करने में मदद करेगा। ये देश है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नेपीडाओ,
रोहिंग्या इशू के कारण वह हमारे न्यूज में चल रहा है। यहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं ज्यादातर राखीम स्टेट में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हतिन कयाओ। डिफैक्टो लीडर हैं रांग सांग सुकी, जो मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर लेडी है वो यही है यहाँ पे। और कयात है यहाँ की मुद्रा, बहुत कम लोगों को पता होता है कयात, KYAT। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इनमें से मृत्योपरांत यानी पोस्थ्यूमसली मरने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं पोस्थ्यूमस अवार्ड। अन्ना पॉलिटिक्स को वसाकया अवार्ड मिला है इन्हें अपने करेजियस जर्नलिज्म के लिए। तो ये अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है गौरी लंकेश को। गौरी लंकेश पत्री के नाम का मैगजीन आता था इनका और कन्नड़ भाषा में ये लिखती थी, कन्नड़ भाषा में। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, काफी डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूं। एक प्राइज होता है पत्रकारिता के लिए जिसे बोलते हैं गिलर्मो कानो प्राइज। गिलर्मो कानो प्राइज ये किसे मिला है? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं गिलर्मो कानो प्राइज फॉर जर्नलिज्म किसे मिला है? कुंदन शाह का निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? जाने भी तो यारो फिल्म इन्होंने ही बनाई थी, तो ये एक मशहूर डायरेक्टर थे और इन्होंने कुछ टेलीविजन के शो भी बनाए हैं जैसे नुक्कड़ और बागले की दुनिया वगैरह, काफी ये फेमस डायरेक्टर थे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्योंकि इन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस में एक्सीलेंस दिखाई है, कॉरपोरेट शासन के अंदर। ये कंपनी है टेक सॉल्यूशंस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय होता है, ट्रांसजेंडर समुदाय जिन्हें खुसरा समाज या हिजड़ा या सुखदुआ समाज भी कहते हैं, ट्रांसजेंडर समाज के लिए एक टॉयलेट बनाया है, इसको सिर्फ ट्रांसजेंडर यूज कर सकते हैं। कहां पे बनाया है ये? मध्य प्रदेश में। ये बनाया है राजधानी भोपाल में, भोपाल में। और ये जो थर्ड जेंडर होता है उसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू करी है जिसमें बहुत सारे लोगों का विवाह एक ही साथ किया जाएगा और इसमें 35,000 रुपए पर कपल स्पेंड भी करेगी सरकार, उनका विवाह करने में 35,000 रुपए एक कपल के ऊपर खर्च करेगी। यह डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा पावर प्लांट है, ये एटॉमिक पावर प्लांट है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है राम नायक। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मातृपूर्ण स्कीम? मातृपूर्ण स्कीम है ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है और लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए है। इसमें महीने में 25 दिन सस्ता भोजन मिलेगा सिर्फ 20 रुपए में। इसके अलावा आयरन की टैबलेट मिलेंगी क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए ये स्टार्ट करा है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक ने शुरू करी है इंदिरा कैंटीन सस्ता भोजन देने के लिए। आंची नेशनल पार्क है यहाँ। इसके अलावा बनरगट्टा बांदीपुर नागर होले नेशनल पार्क है, डांडेली टाइगर रिजर्व है, कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व है। तो ये सब है कर्नाटक के अंदर। राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इसरो का और यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इनमें से भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, ये कजान में हुई रशिया के अंदर, ये जीता पूजा काद्यान ने, और पूजा काद्यान ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में इसे जीता। अभी अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये 2018 में होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये न्यूजीलैंड के अंदर होगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इनको ये जो बनी है इनका नाम है कोरे एंडरसन, न्यूजीलैंड के ही है। न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, कीवी, इसलिए न्यूजीलैंड के लोगों को भी हम कीवी बोल देते हैं। इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर एएस किरण कुमार है इसके चेयरमैन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो एक रिसर्च सेंटर बना रहा है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, टीचर्स के लिए, पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये कहां पे बना रहा है? इसको बनाएगा ये गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम में असम की राजधानी है दिसपुर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसे पहले आप डेप्यूटी बताएं, पहले डायरेक्टर जनरल बता दीजिए। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम है इथोपिया के, इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी है एडिस अबाबा। ये तो है डायरेक्टर जनरल, ये सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, ये चीफ हैं। तो डेप्यूटी बनी है सौम्या स्वामीनाथन, ये इंडिया की हैं। WHO का हेडक्वार्टर है जनेवा में। पुरुषोत्तम लाल कौशिक, इनका निधन हो गया, इनका संबंध कौन से फील्ड से था? ये पॉलिटिशियन थे और ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे मोरारजी देसाई की सरकार में, और चरण सिंह की सरकार थी चौधरी चरण सिंह की, उसमें ये सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो ये पॉलिटिशियन थे। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मंगोलिया की मुद्रा है टोगरोग और राजधानी है उलन बतौर। मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं गोबी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है ये मंगोलिया, और इनका नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, आप यूके याद रख लीजिए, यूके, उख नागिन खुर रे ले सुख।
उख नागिन खुरले सुख, ये हैं मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री। 20 दिवसीय प्रोग्राम अभी अभी हमारे पर्यटन मंत्री ने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाया, पर्यटन मंत्रालय ने, इसका क्या नाम था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इनका नाम है पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व चलाया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, पहले हमारे कल्चर और टूरिज्म यानी संस्कृति और पर्यटन के मंत्री एक ही थे, डॉक्टर महेश शर्मा। अब टूरिज्म के मंत्री अलग हो गए हैं, टूरिज्म के नए मंत्री बने हैं, इनको बोलते हैं के जे अल्फोंस। 4 से 10 अक्टूबर को ये कौन सा सप्ताह मनाया गया, मैं रिपीट करता हूं, 4 से 10 अक्टूबर को कौन सा सप्ताह मनाया गया, ये सप्ताह था वर्ल्ड स्पेस वीक, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सप्ताह, अंतरिक्ष सप्ताह। और दो चार और पूछ लेंगे, 9 से 14 तारीख को कौन सा सप्ताह मनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह, भारत में मनाया गया 9 से 14 अक्टूबर को। डिसआर्ममेंट वीक यानी हथियारों को कम करो, इसके लिए सप्ताह मनाया गया 24 से 30 अक्टूबर। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया 30 अक्टूबर से 4 नवंबर। भारत में पर्यावरण मंत्रालय है, जो है हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने अगले 6 साल के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके, जिससे हम अपने हिमालयाज की रक्षा कर सकें। कौन कौन सी जगह की रक्षा करनी है, जम्मू कश्मीर में चंगथांग, हिमाचल प्रदेश में लाहौल, पंगी और किन्नौर, उत्तराखंड में गंगोत्री, गोविंद, धर्मा, ब्यानास वैली, पिथौरागढ़ में, सिक्किम में कंचनजंगा और तीस्ता घाटी, इनकी रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिक्योर हिमालय। 3 राज्य हैं भारत के जिन्होंने कल्चरल टाइज यानी संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत MOU साइन करा है, इनमें से वो कौन सा राज्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय भी है, उत्तर प्रदेश भी है, ओडिशा नहीं है। इस प्रोग्राम में एक ईच ईयर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उन्हें पेयर किया जाता है आपस में, जिससे उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खंडू मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, ईटानगर राजधानी है, तवांग डिस्प्यूटेड एरिया है, और यहाँ पे है माउलिंग नेशनल पार्क और नामडफ नेशनल पार्क, ठीक है। मेघालय जो है यहाँ शिलोंग राजधानी है, बारिश बहुत होती है चेरापूंजी में, और जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो मौसिनराम में की गई है आज तक। मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ आपको, और ओडिशा जो है इसके नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल रूलिंग पार्टी है, सिमलीपल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे, और गहिरमठ बीच है जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल मिलते हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक लैंड बैंक बनाया है, लैंड बैंक मतलब ये है इसमें लगभग 1,20,000 एकड़ की जमीन इन्होंने रख ली है अपने पास इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, क्योंकि जमीन एक्वायर करना मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने पहले ही एक लैंड बैंक बना दिया है। तो ये बनाया है ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा में एक नदी भी बहती है जिसको बोलते हैं महानदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है फिर ओडिशा में आती है फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, महानदी पे हीराकुड डैम। इनमें से पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने कोई भी एक यूरोपियन रेस जीती है, इन्होंने यूरोपियन रेसिंग चैंपियनशिप के अंदर एक रेस जीती और इन्होंने बॉस ग्रां प्री जीती जो इटली के इमोला शहर में हुई थी, क्या नाम है इनका, इनका नाम है महावीर रघुनाथन, सिर्फ 19 साल के हैं ये, और ये चेन्नई से हैं। चेन्नई में कजाकिस्तान ने अपना कंसुलेट ऑफिस भी खोला था, क्योंकि कजाकिस्तान भारत के बीच 25 साल डिप्लोमेटिक टाइज को पूरे हो गए, इसराइल के साथ भी हमारे 25 ईयर्स पूरे हो गए। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत में पहला राज्य बना है जिसने दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग हैं जो चल फिर नहीं सकते या जो जिन्हें डिफरेंटली एबल बोलते हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, इसमें सिर्फ दिव्यांग लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हमारे नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, पहले राजीव प्रताप रूडी थे, अब धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे तेल और गैस के मंत्री भी हैं, इनका नाम है, इस राज्य का नाम है असम, असम ने लगाया है ये। कहां लगाया है ये पूछ ले तो ये डिब्रूगढ़ में लगाया है। इनमें से कौन से राज्य के कैबिनेट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम, यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका उनको रिपेयर किया जाएगा और मनरेगा के तहत लगाइए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट उसके तहत लगाइए। एक बात और याद रखिए, हमारे जो श्रम मंत्री हैं लेबर मिनिस्टर, पहले थे बंदारू दत्तात्रेय, अब नहीं है, अब हैं संतोष कुमार गंगवार, ये हैं नए भारत के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर। और हमारे जो रूरल रोड, रोड मतलब क्या, नागरिक परिवहन, तो उसके लिए डिपार्टमेंट है MORTH, नागरिक परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो हमारे रिवर डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और गंगा क्लीनिंग के मंत्री भी हैं, नागपुर से ये लोकसभा सांसद हैं। और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये फोटो है वीरभद्र सिंह की जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, इस राज्य में चुनाव भी होंगे और राजधानी शिमला है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को 500 मिलियन यूरो का लोन दिया है, ये कौन सा मेट्रो बनाने के लिए दिया है, ये मेट्रो है नम्मा बेंगलुरु, बेंगलोर मेट्रो। और याद रखिए लखनऊ मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है जिसके पास अपना खुद का FM है
और भारत का पहला ग्रीन मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, जिसे बोलते हैं डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। मेट्रो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया है, एक कर दिया है, अभी एक ही मंत्रालय है। तो हमारे हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री अब हैं हरदीप पुरी। अभी अभी एक 100 फुट लंबा स्टैचू बना है प्रधानमंत्री मोदी का, इनका इनके नाम पे एक मंदिर बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन रहा है। ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा मेरठ में। मेरठ है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में है, और 10 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी का ऑलरेडी एक मंदिर है राजकोट में, राजकोट में। और भारत में ऐसा नहीं है, ये पहले व्यक्ति हैं जिनका मंदिर बन रहा है, और भी मंदिर बन चुके हैं, जैसे सोनिया गांधी का एक मंदिर है आंध्र प्रदेश में, महात्मा गांधी जी का मंदिर है उड़ीसा में, अमिताभ बच्चन जी का मंदिर है दक्षिण कोलकाता में, और सचिन तेंदुलकर का बिहार में एक मंदिर है, मायावती का भी मंदिर है खुद का उत्तर प्रदेश में। तो कई मंदिर ऑलरेडी बन चुके हैं। जैकलिन फर्नांडेज श्रीलंका की अभिनेत्री हैं, लेकिन ये भारत में काम करती हैं। जैकलिन फर्नांडेज जो हैं, इन्हें कौन सी टीम का इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल क्लब के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये पहली महिला है जिन्हें फुटबॉल क्लब ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये क्लब है दिल्ली डायनामोज फुटबॉल क्लब। केंद्र सरकार ने अभी अभी अप्रूव करा है कि एक सेंटर बनेगा कछुओं के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। कहां पे बनेगा? इसका नाम रखा है डेवलपिंग रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम। यह बनेगा अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, अलाहाबाद में बनेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक कमेटी बनाई अभी अभी। वो कमेटी थी कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर, इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट दी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष थे उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, उदय कोटक, और सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने पहली बार फोटो दिखाकर ये सबूत दिया है कि उन्होंने भारत में स्नो लेपर्ड देखा है। स्नो लेपर्ड जो होता है, ये लायन टाइगर इन सबसे अलग होता है, क्योंकि ये दहाड़ता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है लायन टाइगर और स्नो लेपर्ड में। तो स्नो लेपर्ड कहां देखा गया भारत में? ये देखा गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और फोटो का सबूत भी दिया है दिखा के। और अगर पूछे यहां पे कहां देखा गया, तो एक गांव है जिसका नाम है थेमबांग, थेमबांग में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी गोल्डन जुबली मनाई, उसका उद्घाटन करा, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ये 1980 में बनी थी, और इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी ICSI। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे भारत के सबसे क्लीन, सबसे साफ सुथरे, स्वच्छ भारत के तहत सबसे साफ सुथरे क्लीन कैंपस अवार्ड मिला है? ये अवार्ड दिया AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो थे उसके लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया गया था। तो सबसे साफ सुथरा कॉलेज है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मणिपाल में है, मणिपाल उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के, कर्नाटक के। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सीरीज 3। इसमें पहले कहा था कि एक व्यक्ति एक साल में सिर्फ 500 ग्राम मैक्सिमम गोल्ड खरीद सकता है। अब ये लिमिट कितनी बढ़ा दी है, और याद रखिए इस पे आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा सालाना, 2.5%। अब बढ़ा दिए लिमिट 4 किलो। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इंडिविजुअल, वो 4 किलो तक सोना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के तहत। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने सोलर ब्रीफकेस नाम का प्रोग्राम शुरू करा है, उन जगह पे बिजली पहुंचाने के लिए जहां पे आम लाइनें बिजली की नहीं जाती? ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, और सोलर ब्रीफकेस प्रोग्राम है। इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी, डिस्काउंट भी दिया जाएगा, उन लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा जो सोलर प्लांट, सोलर पैनल अपने घर पे लगाना चाहते हैं। और ये सोलर ब्रीफकेस बनाया किसने? ये बनाया है मनोज भार्गव ने, मनोज भार्गव नाम के व्यक्ति ने बनाया है ये सोलर ब्रीफकेस। उत्तराखंड भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रहते हैं, फिर उत्तराखंड में, और ये टाइगर जो सर्वे हुआ था उसमें पता लगा था उत्तराखंड में है राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इनमें से किस व्यक्ति को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का गजेंद्र चौहान के बाद नया चेयरमैन बनाया गया है? इनका नाम है अनुपम खेर। अनुपम खेर जो हैं, ये इससे पहले सेंसर बोर्ड के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 2004 में और पद्म भूषण मिला 2016 में। और ये सूचना प्रसारण मंत्री हमारी हैं, वो हैं स्मृति ईरानी, जो गुजरात से राज्यसभा MP हैं। इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप को, PVC प्लास्टिक को इमीडिएटली बैन कर दिया है? इसको बैन किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कांगर वैली नेशनल पार्क है, और इंद्रावती नेशनल पार्क है यहाँ छत्तीसगढ़ में।
और यहाँ की राजधानी है रायपुर। अभी अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल बना, भारत और चीन में जो डोकलम विवाद चल रहा है अभी भी सुलझा नहीं है, और इस पे एक कमेटी बनाई गई जो ये चेक करेगी कि डोकलम जो विवाद था उसमें भारत ने किस तरह से काम किया और क्या करना चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? इनका नाम है शशि थरूर। अभी अभी एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई सरकार ने, ये बनाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। हमारे होम सेक्रेटरी हैं इस वक्त राजीव गाबा, पहले थे राजीव महर्षि, लेकिन राजीव महर्षि अब है भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जो ये चेक करेगी कि भारत में जो बॉर्डर है हमारा, जो बॉर्डर है हमारा जम्मू कश्मीर में भारत का पाकिस्तान के साथ, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं, ये स्टडी करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी रीना मित्रा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में स्पेशल सेक्रेटरी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इनमें से किस महिला को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये 1975 में बनी थी और इसका काम है भारत और अमेरिका के बीच जो बिजनेस के रिश्ते हैं उनको अच्छा करना। इनका नाम है निशा देसाई बिस्वाल, और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु। हमारा जो नागरिक परिवहन मंत्रालय है उन्होंने एक पैनल बनाया है जो ये चेक करेगा कि हम अपनी सड़कें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मटेरियल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो अल्टरनेटिव मटेरियल बोलते हैं जिसे नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल, और इक्विपमेंट उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे SR तांबे, और हमारे मिनिस्टर कौन है? रोड नागरिक परिवहन के नितिन गडकरी। भारत का सबसे पहला एक वेबसाइट बना है जो दिव्यांग एथलीट्स के लिए है। मैं आपको वेबसाइट का फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें सारे जो हमारे जैसे देवेंद्र झाझरिया हैं, नरेश कुमार शर्मा हैं, तो जो भी हमारे दिव्यांग एथलीट हैं, ये है वेबसाइट का नाम द नेशंस प्राइड। तो यही पूछा है कि पहली भारत की वेबसाइट कौन सी है जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है, नाम है thenationspride.com। इनमें से कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड ओपन अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया गर्ल्स कैटेगरी में, ये हुआ था रशिया में सेंट पीटरबर्ग में। ये खिलाड़ी हैं अनुपमा रामाचंद्रन। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, ये भारत के कौन से राज्य में अभी अभी मनाया गया? ये त्यौहार मनाया गया मणिपुर के अंदर, मणिपुर जहाँ पे लोकटक झील है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इरोम शर्मिला है मणिपुर की, और मैरी कॉम जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं वो भी हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। एक छठ पूजा भी अभी मनाई गई जो मुख्यतः झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का त्यौहार है। बिस्मॉय कुमार मोहंती, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? एक उड़िया भाषा का न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है अजी कली के ये मालिक थे, तो ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। और ये हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग जो अक्टूबर के महीने में एक्सपायर हो गए। पुरुषोत्तम लाल कौशिक पॉलिटिशियन, सतीश चंद्र इतिहासकार UGC के पूर्व चेयरमैन, रिचर्ड विल्बर कवि, पुलिटजर प्राइज जीत चुके कवि, लेक टंडन एक्टर डायरेक्टर, आम्रपाली फिल्म के डायरेक्टर जो भारत की तरफ से ऑस्कर में भी गई थी फिल्म, लेक टंडन ने डायरेक्ट की थी। शमशेर खान स्विमर, याद रखिए भारत की तरफ से ये पहले स्विमर थे जो ओलंपिक्स में गए थे, शमशेर खान। विलियम लोम्बार्डी शतरंज के मशहूर खिलाड़ी, अमल दत्ता पॉलिटिशियन CPIM पार्टी के, ये ज्योति बसु के नेफ्यू थे, भतीजे थे। साना इकबाल बाइकर, और गौर किशोर गांगुली स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल के थे। गिरिजा देवी ठुमरी की सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर, पद्म विभूषण अवार्डी बनारस घराने से। तो ये सब एक्सपायर हुए हैं अक्टूबर के महीने में। हज कमेटी बनाई गई थी, एक हज कमेटी की अध्यक्षता किसने करी और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को? हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। तो इस हज कमेटी की अध्यक्षता करी अफजल अमानुल्ला ने। अब नई हज पॉलिसी बनाई है सरकार ने, याद रखिए इसमें जो जम्मू कश्मीर का कोटा है वो बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर से पहले 1500 यात्री हज जा सकते थे हर साल, हज की यात्रा करने अब 2000 जाएंगे। और एक और चीज़ करी है इसमें, जो कोटा है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने और रजिस्टर्ड प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो रेशियो है वो 70:30 है अगले 5 साल के लिए। अभी अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई ये चेक करने के लिए कि जो GST रेट है, जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर GST लगाया हुआ है, वो रेस्टोरेंट्स के ओनर खुश नहीं है उससे, तो हम रेस्टोरेंट्स के लिए GST रेट को और कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इस पे एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी? इस कमेटी की अध्यक्षता करी हेमंता बिस्वा शर्मा ने, आसाम के हैं ये हेमंता बिस्वा शर्मा। अभी अभी एक नॉवल के ऑथर हैं, नॉवल का नाम है सुगंधी अन्ना अंदयाल देवन की। इस
को लिखने वाले लेखक इनको मिला है वायलर राम वर्मा साहित्य पुरस्कार। क्या नाम है इन ऑथर का? इनका नाम है टी डी रामाकृष्णन। और ये जो वायलर राम वर्मा है इनकी याद में ये वायलर अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1977 में। और जो वायलर थे ये मलयालम भाषा के कवि थे। इनमें से जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ये किस भारतीय को मिला है? ये VDMA नाम की कंपनी के मालिक हैं और इनका नाम है राजेश नाथ। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइन मेयर और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्कल। चौथी बार बनी है जर्मनी की चांसलर। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। महात्मा गांधी जी को मारा गया, इतिहास यही कहता है कि नाथूराम गोडसे ने मारा, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अमाइकस क्यूरिए, जिसे बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट को उचित एडवाइस देगा, एडवाइजर अपॉइंट किया है। अमाइकस क्यूरिए किसे बनाया है? अमाइकस क्यूरिए, इस अमाइकस क्यूरिए का काम यह होगा कि महात्मा गांधी का जो कत्ल किया गया था क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जानी चाहिए या नहीं। यह बनाया गया है अमरेंद्र शरण को, अमरेंद्र शरण। इनमें से कौन सा पहला आदिवासी डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जिससे जो खुले में शौच मुक्त हो गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है? इसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर है राजस्थान में। और एक और बात याद रखिए, डूंगरपुर जो है ये राजस्थान का सबसे साफ सुथरा शहर भी डिक्लेयर किया गया 2016 में और 2017 में। एक और इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान जो ओपन डिफिकेशन फ्री है इसमें अभी तक भारत के सिर्फ 5 राज्य हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री बने हैं। पहला बना था सिक्किम, उसके बाद जो 4 बने उनमें हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी है एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। अब ये बताइए, इसमें 6 करोड़ स्टूडेंट को स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ट्रेन किया जाएगा डिजिटल साक्षरता में। किस डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है मार्च 2019, और ये वही डेडलाइन है जो हमारी बेजल 3 नॉर्म्स पूरे करने हमारे बैंक्स को, उसकी डेडलाइन भी है 31 मार्च 2019। बेजल 3 में हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना है। कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा जिसे 2018 तक आधार एनेबल्ड कर दिया जाएगा? अब आपको इस एयरपोर्ट में अगर एंट्री करनी है या कुछ भी टिकट बुकिंग वगैरह करनी है, ई बोर्डिंग प्रोसेस, बोर्डिंग करनी है प्लेन में, तो आधार की जरूरत पड़ेगी। ये एयरपोर्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट। इनमें से कौन सा शहर है भारत का जहां पे भारत का पहला मैरीन पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है? मैरीन पुलिस, मैरीन मतलब होता है समुद्री पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना है द्वारका में। ये दिल्ली वाला द्वारका नहीं है, ये गुजरात वाला द्वारका है, याद रखिए। गुजरात में 962 करोड़ रुपए की मदद से ये बना है और इसका उद्घाटन करा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। 44वां अध्याय इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट्स मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट्स मेला है, ये कहाँ पे मनाया गया? ये इसका 44वां अध्याय था, 44वीं बार मनाया गया। ये हुआ ग्रेटर नोएडा के अंदर और हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जिन्होंने इसका उद्घाटन करा। वयोश्रेष्ठ सम्मान, ये राष्ट्रीय सम्मान मिलता है सीनियर सिटीजन को रामनाथ कोविंद द्वारा, इस बार ये किसे मिला है? ये मिला है मिस्टर गुरबख्श सिंह संधू को, ये भारतीय बॉक्सिंग के कोच हैं। इनमें से भारत के कौन से 2 जहाज हैं जो जापान गए हैं पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए? भारत और जापान के बीच होगी पैसेक्स एक्सरसाइज, और भारत और जापान के बीच एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सहयोग काइजिन। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिंजो आबे, अभी इन्होंने खुद ही चुनाव कराए थे, जीत गए, और यहाँ के जो मुद्रा है वो येन है, राजधानी है टोक्यो। तो एक तो है हमारा जहाज सतपुरा और दूसरा है कदमत, सो आंसर है 3 और 4। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है भारत की ग्रोथ कितनी होगी? पहले बोल रहे थे 7.2% होगी, फिर इन्होंने कम कर दी, अब कम करके कितनी कर दी, अब हो गई सिर्फ 6.7%। IMF की जो हेड है वो फ्रांस की हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे। और फ्रांस की एक और व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की हेड बनी है ऑड्री अजोले, और यूनेस्को से नाम वापस ले लिया है अमरीका और इसराइल ने। IMF जो है इसका हेडक्वार्टर Washington DC में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनमें से पहली फीमेल रेफरी कौन बनी है जो फीफा U17 वर्ल्ड कप 2017 में जिन्होंने मैच उसको रेफरी किया, ये फीमेल रेफरी हैं, इनका नाम है एस्थर स्टोबली। और ये कौन से देश की हैं? स्विट्जरलैंड। इनमें से मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के लिए किसको चूज किया गया है 2016 के लिए? ये मलयालम कवि हैं, मलयालम में लिखते हैं, जो केरल की भाषा है,
इनका नाम है एम के सानू। इनमें से कौन सा देश है जो भारत की मदद करेगा भारत में जो रेलगाड़ियां चलती हैं उनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने के लिए। अभी जो भारत में सबसे ज्यादा तेज स्पीड है वो गतिमान एक्सप्रेस की है, दिल्ली से आगरा लगभग 160 है इसकी स्पीड, 200 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये देश कौन सा देश है जो हमारी मदद कर रहा है? ये देश है जर्मनी। जर्मनी भारत में स्मार्ट सिटी भी बना रहा है, कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर, ये तीन स्मार्ट सिटी बनाएगा जर्मनी, और चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी बनाएगा फ्रांस। इनमें से मेड वॉच नाम की मोबाइल ऐप, ये हेल्थ ऐप है, मोबाइल हेल्थ ऐप, ये किसने लॉन्च करी है? ये इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च करी है, बीएस धनोआ है हमारे एयर चीफ मार्शल। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो दिव्यांग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रख दिया है सरकारी जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? ये राज्य है बिहार। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जेडीयू इनकी पार्टी है और बीजेपी के साथ गठबंधन है इनकी, और फाइनेंस मिनिस्टर हैं राज्य के मिस्टर मोदी और सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, और जो बिहार में नीतीश कुमार हैं छठी बार मुख्यमंत्री बने। 9 से 14 अक्टूबर ये सरकार ने कौन सी स्कीम को प्रमोट करने के लिए एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया? ये स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम 2015 में स्टार्ट करी थी मोदी जी ने, जनवरी 2015 में, यानी 2 साल पूरे होने वाले हैं। पानीपत से शुरू करी थी हरियाणा में। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है महालाभार्थी? इसमें सरकार की जितनी भी स्कीम है सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पे गूगामल नेशनल पार्क है और संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, तलोबा नेशनल पार्क है, फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की क्या रैंक है 119 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? इसे दिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने। भारत की रैंक है 100 आउट ऑफ 119 कंट्रीज, और भारत पिछले साल 97 पोजीशन पे था, इस साल 3 पायदान और खिसक गया है। और भारत नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान से आगे है, लेकिन बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया और इराक से पीछे है। अभी अभी एक कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि भारत के जो निचली अदालतें हैं उनमें जजेस की सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, ये हमारे 45वें चीफ जस्टिस हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पी वी रेड्डी। यूनेस्को की नई चीफ कौन बनी है? डायरेक्टर जनरल बोलते हैं ऑड्रे अजोले, ये फ्रांस की है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस जहाँ पे 2024 के ओलंपिक खेल होंगे, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वर्ल्ड बैंक ने 2 स्कीम चलाई है भारत में कौशल विकास के लिए, क्या नाम है दोनों स्कीम्स का? एक का नाम है स्ट्राइव और एक का नाम है संकल्प। स्ट्राइव और संकल्प दोनों के लिए काफी पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। कितना कितना पैसा दिया है? स्ट्राइव स्कीम 2200 करोड़ रुपए की है, इसमें 50% जो पैसा है वो केंद्र सरकार लगाएगी और 50% वर्ल्ड बैंक लगाएगा, ठीक है। संकल्प जो स्कीम है ये 4455 करोड़ रुपए की स्कीम है, इसमें 3300 करोड़ लगाएगा, लगभग 65-70% लगाएगा वर्ल्ड बैंक। स्ट्राइव की फुल फॉर्म क्या है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। और संकल्प की फुल फॉर्म है, काफी लंबी है, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। खैर मत याद रखिए, बस नाम याद रख लीजिए, स्ट्राइव और संकल्प, आंसर है 3 और 4। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने डिसाइड करा है कि जो आदिवासी जो ट्राइबल एरिया हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, उनको राशन कार्ड देगी? ये डिसाइड करा है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा की सरकार ने डिसाइड करा है इनको राशन दिया जाएगा, और हरियाणा में है कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पहली बार कौन सा देश है जिसने कहा है आप 44 बिटकॉइंस के बदले हमारी नागरिकता ले सकते हो? ये देश है वानुआटू। वानुआटू देश, और ये दुनिया का चौथा सबसे खुश देश है, और इसका 34वां सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। खैर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वानुआटू की जो राजधानी है वो है पोर्ट विला। ये सब छोटे छोटे टापू हैं, एकदम देश हैं वैसे, लेकिन छोटे छोटे टापू हैं, वानुआटू, तुवालू, नाउरू, किरीबाती, ये सब। बिरसा मुंडा आदिवासी यूनिवर्सिटी कौन से राज्य में बनी है? इसका उद्घाटन अभी हुआ है। ये बनी है राजपीपला नगर में, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। गुजरात में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एक बन रहा है जिसका नाम है मिथीवर्डी और एक है काकरापारा। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जहां पे लायन रखे जाते हैं। अभी अभी कौन से व्यक्ति की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक बायोपिक बनी है, एन इनसिग्निफिकेंट मैन? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये, इनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए शुरू करी है?
जिसमें अगर मार्केट प्राइस से कम किसानों को मिले तो जो बीज का अंतर है वो किसानों को पे किया जाएगा। ये राज्य है मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है वैसे, और इससे सरकार के ऊपर 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इनमें से कौन से हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप गांव के अंदर, उन गांव के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया विलेजेस हैं, उनमें अगर आप शराब की दुकान खोलना चाहते हो तो ग्राम सभा की परमिशन जरूरी है। ये कहा है अभी हैदराबाद हाईकोर्ट ने। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एग्जाम में आता है, जिसका नाम है बटुकम्मा फेस्टिवल। ये तेलंगाना का त्यौहार है और तेलंगाना में है मृगावनी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी अवार्ड किसे मिला है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 2015-16 के लिए? क्या नाम है इनका नाम? ये एक रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं जो फिलीपींस की सरकार देती है। रामोन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इनका नाम है टी एम कृष्णा, और ये 1985 में कांग्रेस की सरकार ने अवार्ड स्टार्ट करा था, इंदिरा गांधी अवार्ड। हमारा जो कृषि मंत्रालय है, हमारे कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, जो पूर्वी चंपारण बिहार से सांसद हैं, लोकसभा सांसद। आप ये बताइए, हमारे एग्रीकल्चर मंत्रालय ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर के विकास के लिए, हॉर्टिकल्चर होता है फल और सब्जियों को उगाना, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का विकास किया जाएगा सैटेलाइट की मदद से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज करके मार्च 2018 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है चमन की फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिचर्ड विल्बर का निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये पुलिट्जर प्राइज जीत चुके थे, अमेरिका से थे, ये कवि थे, ये थे पोएट। इनकी किताब भी पूछी जा सकती है, थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड नाम की किताब के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था, थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मैन बुकर प्राइज किसे मिला है 2017 के लिए? इनकी नोवेल है लिंकन इन द बार्डो, और ये भी अमेरिका के हैं। इनका नाम है जॉर्ज सॉन्डर्स। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री मेनका गांधी ने एक कैंपेन लॉन्च करा है जो लिंग असमानता है उसे खत्म करने के लिए, यानी जेंडर बायस जो है महिलाओं के अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए। इसका नाम क्या है? इसका हैशटैग है आई एम दैट वुमेन, और एक हैशटैग सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसका नाम है मी टू। अगर आप महिला हैं और आप यौन उत्पीड़न की शिकार रही हैं बचपन में, सेक्सुअल हरासमेंट की, तो मी टू आप अपने कमेंट में लिख सकती हैं, स्टेटस मैसेज में। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि हम भारत में युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है बीसी खंडूरी। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, पहले WWF बोलते थे, इसमें साइन करने वाली इस पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये हरियाणा से है और ये 2016 के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इनका नाम है कविता देवी। पहली बार इनमें से कौन से राज्य ने अनाउंस करा है कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए वो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा? ये अनाउंसमेंट करी है अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल में लगभग 23% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है। पश्चिम बंगाल में है जल्दा पारा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है सब। पहली बार एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना है आयुर्वेद के लिए, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स है, उसी तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बना है। ये नेशनल आयुर्वेद डे मनाया गया हमारा 17 अक्टूबर को। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आयुर्वेद दिवस सरकार ने मनाया था 2016 में 28 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है। इस साल कब मनाया है? 28 अक्टूबर को नहीं मनाया है, इस बार मनाया है 17 अक्टूबर को, ये भी याद रखिए। और हमारे आयुष मनाता है इसे, आयुष में 5 हमारे जो परंपरागत मेडिसिन के सिस्टम है वो हैं आयुर्वेद, यूनानी, आयुष, AYUSH, यू से यूनानी, वाई से योगा, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, और इसके मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। कहाँ बना है ये इंस्टीट्यूट? ये बना है न्यू दिल्ली के अंदर। हरियाणा की सरकार ने अभी कौन से गांव का नाम पलट के अभिमन्युपुर कर दिया है? इन्होंने वैसे भी कई नाम पलटे हैं, इन्होंने गुड़गांव का नाम पलट के कर दिया गुरुग्राम, इन्होंने बल्लभगढ़ का नाम पलट के कर दिया बलरामगढ़, और अब अभिमन्युपुर किसका नाम रखा है? आमीन का नाम रख दिया है अभिमन्युपुर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम है रंजीत कुमार, और के वेणुगोपाल है हमारे अटॉर्नी जनरल। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, के वेणुगोपाल मुगुल रोहतगी के बाद बने थे। इनमें से अरुणाचल प्रदेश का सबसे लेटेस्ट 23वां डिस्ट्रिक्ट किसे घोषित किया गया है? अपर और लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट्स को बाइफरकेट करके ये बनाया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है रखा गया है कामले। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने
ये कहा है अपने टीचर्स को कि आप छुट्टियों पे जा सकते हैं, लेकिन उन छुट्टियों का इस्तेमाल आप नया बिजनेस, नया उद्योग लगाने के लिए करेंगे, तो आप लीव ले सकते हैं। ये अनाउंस करा है केरल की सरकार ने। केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ 37 साल की हैं ये, और न्यूजीलैंड के इतिहास में ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है जकिंदा आर्दर्न। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट एरोड्रोम्स इन द वर्ल्ड 20 से 50 लाख पैसेंजर की कैटेगरी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा? ये एयरपोर्ट है, नंबर वन है जयपुर, नंबर टू है श्रीनगर। तो जयपुर एंड श्रीनगर को मिला है बेस्ट एरोड्रोम्स। नंबर वन है जयपुर, नंबर टू है श्रीनगर। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। इनेस रॉ ये पहली ट्रांसजेंडर मॉडल है जो कौन सी मैगजीन के कवर पे आई हैं? ये मैगजीन है प्लेबॉय, और प्लेबॉय के मालिक ह्यू हेफनर का निधन हो गया, ह्यू हेफनर। इनमें से कौन सा देश है जो 23वां टेक्नोलॉजिकल समिट भारत में नई दिल्ली में होगा, उसमें हमारा पार्टनर कंट्री होगा, और इस टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कंट्री है, पार्टनर कंट्री हमारा कैनेडा। कैनेडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जिसे 34th रैंक किया गया है 400 जो बेस्ट एशिया की यूनिवर्सिटी है उनमें? लेटेस्ट रैंकिंग है 2018 क्वेक्रुली सीमॉन रैंकिंग, और भारत में नंबर वन है दुनिया में, एशिया में 34वें नंबर पे है। ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे है 34वें नंबर पे, आईआईटी दिल्ली 41वें नंबर पे, आईआईटी मद्रास 48वें नंबर पे, और आईआईएससी बेंगलुरु 51 नंबर पे। यानी टॉप 50 में एशिया में तीन यूनिवर्सिटी हैं भारत की। इनमें से कौन सा हमारी सेना है जिसने जश्न ए बरांग फेस्टिवल मनाया कोकरनाग गांव में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिससे जो सेना और जो वहां के नागरिक हैं उनके बीच भाईचारा प्रमोट किया जा सके? ये मनाया राष्ट्रीय राइफल्स ने, राष्ट्रीय राइफल्स, और स्लोगन था जवान और आवाम अमन है मुकाम। इनमें से फोर्ब्स मैगजीन ने यूरोप की सबसे ज्यादा हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2017 के लिए कौन रही? इनका नाम है जेके रोलिंग, और जेके रोलिंग हैरी पॉटर की किताबें लिखती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सेकंड नंबर पे। इन्हें इस साल का फीफा बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है, और ये पुर्तगाल के कप्तान हैं और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जिसे 50 लाख से 1.5 करोड़ की कैटेगरी में दुनिया का नंबर वन एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा? ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक एयरपोर्ट बनाने की परमिशन दे दी है 1400 करोड़ रुपए की लागत से। यह बनेगा हिरासर में। हिरासर कहां पे है? हिरासर है राजकोट में, और राजकोट है गुजरात में। इनमें से अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अकिन वूमी अदेसिना, ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 2017 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ये कौन से देश के हैं? ये हैं नाइजीरिया के। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। एक और बात याद रखिए, जो एक और अफ्रीका के व्यक्ति हैं जिनको, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं इस वक्त WHO के, टेड्रोस आधानोम, वो हैं इथोपिया के। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक स्पेशल फैमिली पेंशन स्कीम को स्टार्ट करा है उन विधवाओं के लिए जिनके पति एक्सट्रीमिस्ट द्वारा मारे गए इस राज्य में? एक्सट्रीमिस्ट द्वारा ये स्पेशल पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है पंजाब की सरकार ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने कहा है कि आप जो ऑफिशियल संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसमें दलित शब्द, हरिजन शब्द और किजलार शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये डेरोगेटरी शब्द हैं। ये करा है केरल की सरकार ने, ये डिसीजन लिया है इन शब्दों का इस्तेमाल इस राज्य में नहीं होगा किसी भी सरकारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जो CPIM पार्टी के हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई है? ये जो व्यक्ति यहाँ पे हैं, ये हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये राज्य है असम। चलिए अब एक कठोर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये भारत में एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं, तो कौन से खेल की स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जिसके ये प्रेसिडेंट है? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिला है ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा? ये इन्हें ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस में दिया गया जो जयपुर के अंदर कंडक्ट की गई थी 2017 के लिए। इसका नाम है गोवर्धन इको विलेज, और इसे चलाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं इस्कॉन।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से राज्य को अपने तटों की रक्षा करने के लिए $65 मिलियन का लोन दिया है? ये लोन दिया है इन्होंने कर्नाटक को। कर्नाटक में काईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, काईगा। और तमिलनाडु में है कल्पक्कम और कुंडनकुलम। कुंडनकुलम हमने रशिया की मदद से बनाया है, रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। भेल भी हमने रशिया की मदद से बनाया था। दुर्गापुर जो प्लांट है ये हमने ब्रिटेन की मदद से बनाया था। राउरकेला हमने जर्मनी की मदद से बनाया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य है जहाँ पे जो पीजी हॉस्टल बना रहा है गाय के लिए, पीजी फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पे आप अपनी गाय को ला सकते हैं और उसे रख सकते हैं। ये कर रहा है हरियाणा, काउ प्रोटेक्शन के लिए, गौ रक्षा के लिए। भारत का एक जहाज है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करेगा, ये कौन से देश के साथ करेगा? ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता जो सेक्रेटेरिएट है वो आसियान कंट्रीज का सेक्रेटेरिएट ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, याद रखिए। इनमें से कौन सा देश है जिसने पहला 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज अभी अभी ओपन किया है? ये देश है नेदरलैंड। और पहली 3D प्रिंटेड बैटरी बनाई है, ये इसको पहन भी सकते हैं आप, और ये बनाई है ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन ने। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, लेकिन पहला 3D प्रिंटेड प्रिंटर जो है, 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज बनाया है नेदरलैंड ने। नेदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें डच बोलते हैं। यहाँ पे द हेग है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, और नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो पुलिसमैन है ड्यूटी पे मारे गए हैं उनको मुआवजा बढ़ा के 25 लाख से 50 लाख कर दिया है? ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इनमें से कौन सी भारत की स्वतंत्रता जंग है जो पहली स्वतंत्रता जंग भारत की होगी, डिक्लेयर कर दी गई है? अभी तक हमें यह पता था 1857 की जंग थी, ये पहली थी, लेकिन नहीं, इसे 40 साल पहले उड़ीसा में एक जंग हुई थी 1817 में। इसका नाम है पाइका विद्रोह, यानी पाइका रिबेलियन, और इसे जो गजपति वंश के राजा हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, पाइका विद्रोह। गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम, ये 1246 करोड़ रुपए की लागत से एक सिंचाई के लिए सिस्टम प्रोजेक्ट बना है विजयपुर में, ये कौन से राज्य ने अप्रूव कर दिया है? ये लगेगा ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर। और जो गंगाधर मेहर के नाम पे नाम रखा गया है, गंगाधर मेहर उड़िया भाषा के मशहूर कवि थे। इनमें से कौन सा राज्य है जो फोकस स्टेट होगा वर्ल्ड फूड इंडिया जो नई दिल्ली में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा? ये है हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री, इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ये अकाली दल पार्टी की हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, और भटिंडा से लोकसभा सांसद हैं। तो ये जो स्टेट है फोकस स्टेट होगा उड़ीसा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पार्टनर कंट्री होंगे हमारे जापान, डेनमार्क और जर्मनी, और जो फोकस कंट्री होंगे वो होंगे इटली और नेदरलैंड। पहली बार इनमें से कौन सा एशिया का देश है जिसका पासपोर्ट सबसे ताकतवर है दुनिया में? अगर आपके पास इस देश का पासपोर्ट है तो 159 कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये देश है सिंगापुर। भारत का स्थान है 75। दूसरे नंबर पे है जर्मनी। सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। अगर आपके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है तो सिर्फ 22 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल आप कर सकते हो। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये है साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, और ये है साल के सर्वश्रेष्ठ कोच। साल के सर्वश्रेष्ठ कोच है जिडान, और जिडान है फ्रांस के खिलाड़ी थे, अब तो कोच हैं। और जो 1998 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था उसको जितवाने में इनकी अहम भूमिका थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने यूरो कप भी जितवाया है पुर्तगाल को पिछले ही साल, और 2016 में, और ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो फाइनल 3 खिलाड़ी थे वो थे रोनाल्डो, मेसी और नेमार। नेमार ब्राजील के हैं, मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अभी अभी कौन से राज्य ने अनाउंस करा है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट क्षमता का यादादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाएगा 20,400 करोड़ रुपए की लागत से? इस राज्य में मैंने आपको बताया था एक त्यौहार मनाया जाता है बटुकम्मा, तो ये राज्य है तेलंगाना। और इसे बना कौन रहा है? इसे बना रहा है भेल। भेल के चेयरमैन है अतुल सोबती। आरुषि तलवार के जो माता पिता हैं राजेश तलवार और नुपुर तलवार, उन्होंने, उनको जेल हुई, जेल में उन्होंने एक क्लिनिक चलाया कैदियों के लिए, डेंटल क्लिनिक, दांतों के डॉक्टर हैं वो दोनों। तो उस क्लिनिक का, वो कौन सी जेल में, अब उस क्लिनिक का नाम आरुषि तलवार के नाम पर रख दिया है। ये जेल है दसना जेल। अभी अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो टॉयलेट है गांव वाले एरिया में उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा इज्जत घर, यानी अंग्रेजी में बोलें तो हाउस ऑफ डिग्निटी। और हमारे रूरल डेवलपमेंट मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में किस राज्य को अपने फिस्कल रिफॉर्म्स करने के लिए, जिससे वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सके, $300 मिलियन का लोन दे रही है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल करेगा फिस्कल रिफॉर्म्स। कौन सा देश है जिन्होंने एक रोबोट बनाया है सोफिया और इसको अपनी नागरिकता दे दी है, सिटीजनशिप दे दी है? ये पहली बार है कि इस देश ने किसी रोबोट को नागरिकता दी है। ये देश है सऊदी अरेबिया, और रियाद है राजधानी, रियाल है मुद्रा। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी? एक एरोस्पेस पार्क बन रहा है इस राज्य में 198 करोड़ रुपए की लागत से। ये कांचीपुरम में बन रहा है जो साड़ियों के लिए फेमस है, और
जो केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है हृदय इत्यादि, उसके तहत भी कांचीपुरम को डेवलप किया जा रहा है। हृदय प्रसाद स्कीम वगैरह पर्यटन मंत्रालय चला रहा है और हृदय स्कीम को चला रहा है अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय। तो ये कांचीपुरम है तमिलनाडु के अंदर, मुख्यमंत्री है एडापड़ी पलास्वामी और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ गुइंडी नेशनल पार्क और एक और है जिसको बोलते हैं मुकुरथी नेशनल पार्क, ये दोनों तमिलनाडु में है और मुख्यमंत्री एडापड़ी पलास्वामी, पार्टी है AIADMK और इंडियन द्रविड़ मुन्नेत्र कझागम। कौन सी टीम है जिन्होंने तीसरा एशिया कप हॉकी टाइटल जीता 10 साल के बाद, पिछला जीता था 2017 में इन्होंने, 2007 में और अब 2017 में जीता है 10 साल के बाद, और ये चेन्नई में जीता था 2007 में और 2003 में एक और जीता हुआ है इन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में, ये देश है भारत। कश्मीर से दोबारा बातचीत शुरू हो गई है, इसमें मध्यस्थता कौन करेगा, ये पूर्व आईबी के चीफ है, इनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये स्मार्ट सिटीज में स्किलिंग के लिए यानी कौशल विकास के लिए राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन करा इसका, ये NDMC यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की सहायता से बनाया गया है। तो कहां पे बनाया, तो आंसर है न्यू दिल्ली। भारत का वो कौन सा जहाज है जो श्रीलंका की नेवी ने रख लिया है, भारत में इसका नाम था वरुण और इस देश में इसका नाम रखा गया है सुरक्षा। श्रीलंका हमारा मित्र है, ट्रेन कोमाली हम जहाज वो बंदरगाह बना रहे हैं यहाँ, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनपुरी कोट्टे। विराट कोहली की क्या रैंक है उन खिलाड़ियों में जिनकी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, विराट कोहली है 7वें नंबर पे। नंबर 1 है दुनिया में रॉजर फेडरर जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, इस साल इन्होंने विंबलडन जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ये स्विट्जरलैंड के हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसके चीफ हैं आरके पचनंदा, इन्होंने अपना 56वां रेजिंग डे मनाया यानी 56 साल पूरे हो गए इनको, ये भारत और जो चाइना के बीच बॉर्डर है 3000 मील से ज्यादा उसकी रक्षा करता है। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है COP21, अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका और सीरिया देश बचे हैं जो इस पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, अमेरिका पहले हिस्सा था पर इन्होंने नाम वापस ले लिया था, ये देश है निकारागुआ, इनकी राजधानी है मनागुआ। कौन से हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जीवित व्यक्तियों का जो पिक्चर है वो बैनर और होर्डिंग पे नहीं लगा सकते राज्यों में, कोई होर्डिंग नहीं लगेगा कोई बैनर नहीं लगेगा, ये अनाउंस करा है मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के अंदर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भारत में दूसरा पेमेंट बैंक था जो खुला था और पहला सरकारी पेमेंट बैंक जो खुला था, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, इनका नाम है मिस्टर सुरेश सेठी। कौन से भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है अभी बैडमिंटन के अंदर, इनका नाम है किदंबी श्रीकांत। इन्होंने कोरिया के खिलाड़ी ली ह्यून को हराया और कल रात को ही इन्होंने एक और टूर्नामेंट जीता है, आप उसका नाम भी कमेंट में लिख के बताइए अगर आपने न्यूज सुनी है तो, इनका एक हफ्ते में ये दूसरा खिताब था। तो ये थे बेस्ट मेरी नजर में जो 150 क्वेश्चन जो सबसे अच्छे थे और साथ साथ मैंने काफी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, ये वीडियो इंग्लिश में भी लेके आऊंगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और अपने दोस्तों का भी फायदा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।